ऐसे क्रोध का साम्राज्य रख करके और कहते मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाबा किसे। अगर बाबा दिल में बैठना है, हम बाबा के दिल में रहना है, तो एक क्रोध साम्राज्य अंदर। किसी ने बात बहुत सुंदर कहा, पहले था पांच सिर वाला रावण, 20 साल के पहले समझो, 10 साल के पहले क्रोध काम लोभ मोह अहंकार। आज टेक्नोलॉजी से फेसबुक व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम और क्या SMS, वो सब निकल के आ गए, वो सब निकल के आ गए, एड ऑन हो गया। क्या हो गया? एड ऑन। किसी ने कुछ गलत मैसेज भेजा, हमने भी उसको देख करके क्रोधित हुआ। जैसे भी क्रोध आता है आपको पता है, एक पति ने पत्नी के लिए मैसेज भेजा, पत्नी ने उसको देख करके ओके ऐसे बोल करके वेरी नाइस बोल के लाइक भेजा, और पत्नी ने पति को एक मैसेज जब भेजा, पति ने लाइक मैसेज नहीं भेजा, उसने वो लाइक को लाइक नहीं बोला, हो गया अंदर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? कौन एंटर हुआ? अपेक्षा। क्रोध का माँ का नाम क्या है? अपेक्षा। वो माँ एक हो गया, माँ के साथ साथ बच्चे एक 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 जन्म ले लिया, पूरा अपने मन में क्रोध का साम्राज्य तांडव करना लग गया। बोलो, सबसे बड़ा जन्म देने वाला क्रोध का मूल जननी, जननी कौन है? क्रोध की माँ अपेक्षा। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी करते हो निस्वार्थ भाव से करो, निस्वार्थ सेवा से करो। आप सबको एक बात में अंडरलाइन कराना चाहता हूं, हम कुछ भी करते हैं तो एक बात बोलते हैं, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे। ये बाबा शब्द क्यों याद करता है? बाबा को पता है अगर अपेक्षाएं, अगर इच्छाएं, अगर तृष्णाएं, अगर घृणा भाव ये सब आ गए तो बच्चे कभी भी खुशी में नहीं रह सकते, शांति में नहीं रह सकते, अपने मन का मालिक नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने क्या कर दिया, क्या कर दिया? बाबा। हम कहते बाबा बाबा और बाबा कहते ब्रह्मा ब्रह्मा। हम बाबा के ऊपर डालते और बाबा ड्रामा के ऊपर डालते। ये है दुनिया का कुदरत का नियम। जो भी होता है हम अपने को निमित्त समझने का मुख्य उद्देश्य है अहंकार का जन्म ना हो। किसका जन्म ना हो?